नेपाल के मुख्यमंत्री केपी ओली ने मंगलवार को कहा कि काला पानी लिपु लेक ओलिम्पियाधुरा नेपाल भारत चीन के ट्राई जंक्शन में है और इन्हें नेपाल के नक्शे में किसी भी कीमत पर शामिल किया जाएगा। बता दें कि 8 मई को भारत ने लिपु लेक में कैलाश मानसरोवर रोड लिंक का उद्घाटन किया था, जिसे लेकर नेपाल ने एतराज जताया। नेपाल उत्तराखंड के लिपु लेक काला पानी ओलिम्पियाधुरा पर अपना दावा पेश करता है और अब उसने एक नया नक्शा तैयार किया जिसमें इन तीनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नेपाल के नए नक्शे को सोमवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा, अब हम इन इलाकों को कूटनीतिक के जरिए पाने की कोशिश करेंगे। अब ये मुद्दा और शांत नहीं होगा। अगर हमारे इस कदम से कोई नाराज होता है तो हो, हमें इसकी चिंता नहीं। हम अपनी जमीन पर किसी भी कीमत पर दावा पेश करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने ये बयान संसद में दिया। 2 महीने पहले किडनी रिट्रांसप्लांट करवाने के बाद ओली का ये संसद में पहला भाषण था। नेपाल की संसद के स्पीकर अग्निस पुकोता ने उनकी तबीयत को देखते हुए उन्हें बैठकर ही भाषण देने के लिए कहा। ओली ने भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरवणे के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। नरवणे ने कहा था कि लिपु लेक को लेकर नेपाल किसी और के इशारे पर विरोध कर रहा है। ओली ने कहा, हम जो कुछ भी करते अपने मन से करते हैं। ओली ने कहा कि वो भारत के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, लेकिन वो पूछना चाहते हैं कि वो सत्यमेव जयते मानते हैं या सिंहमेव जयते। ओली का ये तंज भारत की सैन्य ताकत को लेकर था। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।